गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी रीड चैप्टर फर्स्ट द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स पेज नंबर 7. द टॉपिक इज ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन एनिमल्स. ब्रीदिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. श्वसन क्रिया सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है. ड्यूरिंग ब्रीदिंग एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. Example, oxygen is inhaled and carbon dioxide is exhaled. श्वसन क्रिया के दौरान गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो कुछ इस तरह होता है. ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. The intake of oxygen is necessary as it helps to break down the food and release energy which is required to perform various activities. आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो हमें ऊर्जा जो एनर्जी मिलती है वो भोजन से मिलती है. भोजन की क्रिया में ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण स्थान है. जब भोजन हमारे शरीर के अंदर होता है तो उसे ब्रेकडाउन करने का काम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स करते हैं. और उसके बाद जब ऑक्सीजन फूड को ब्रेकडाउन करता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है. उस एनर्जी का यूज़ हमारी बॉडी करती है जिसके द्वारा हम कई सारी एक्टिविटीज़ कई सारे क्रियाकलाप कर सकते हैं. यदि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते या नहीं जाएंगे तो फूड का ब्रेकडाउन नहीं होगा और हमें एनर्जी प्राप्त नहीं होगी और हम खुद को कमज़ोर महसूस करेंगे. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स. सभी जीव जंतुओं में अलग अलग तरह के श्वसन अंग होते हैं. Some of them are discussed here, जिनमें से कुछ हम नीचे पढ़ेंगे. Insect exchange the gases through small openings on their body surface known as spiracles. Insect कीड़े मकोड़े अपने आदान प्रदान गैसों का जो आदान प्रदान होता है जो श्वसन क्रिया होती है वह अपनी बॉडी सरफेस के द्वारा करते हैं. उनकी बॉडी सरफेस पर स्मॉल ओपनिंग पोर्स होते हैं छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्पाइरेकल्स कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट गिल इज़ अ ब्रीदिंग ऑर्गन फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश क्रैब टैडपोल प्रॉन ETC. जो गिल्स होते हैं यह भी एक प्रकार का ब्रीदिंग ऑर्गन है श्वसन क्रिया का अंग है. यह अधिकतर एक्वाटिक जलीय जंतुओं में पाया जाता है जैसे कि फिश क्रैब टैडपोल प्रॉन इन सभी में गिल्स पाए जाते हैं. गिल्स हेल्प दीज एनिमल्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर. गिल्स एनिमल्स की हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में जो कि वाटर में डिज़ोल्व रहती है घुलनशील रहती है. मतलब जल में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग ये गिल्स द्वारा अपनी श्वसन क्रिया में करते हैं. आपको नॉलेज बैंक में कुछ दिया गया है. माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यूज़ देयर बॉडी सरफेस टू ब्रीथ. माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते अपनी आँखों से नहीं देख सकते उन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म ब्रीथ सांस कैसे लेते हैं अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू. उनकी बॉडी सरफेस पर कुछ होल्स होते हैं टाइनी जिनके द्वारा वो सांस लेते हैं. नेक्स्ट पेज नंबर
एट अदर एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. कुछ अलग तरह के एनिमल्स भी होते हैं जैसे रेप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल्स. ये लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं. द फंक्शन ऑफ द लंग्स इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन विच इज इनहेल्ड थ्रू द नोज टू द ब्लड एंड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड. यह श्वसन क्रिया कैसे करते हैं? इनके जो लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं नोज़ के थ्रू. नोज़ के थ्रू जब ये सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर ब्लड के थ्रू लंग्स में पहुंचती है और वहाँ से हमारी बॉडी की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड से रिलीज हो जाती है और लंग्स के थ्रू वो नोज़ के थ्रू बाहर निकल जाती है. नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड टोड दैट स्पेंड पार्ट ऑफ देयर लाइफ अंडर वाटर एंड पार्ट ऑफ इट ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस. कुछ जानवर जैसे कि फ्रॉग टोड ये अपनी लाइफ वो पानी के अंदर भी स्पेंड करते हैं क्योंकि ये पानी में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी. तो ये अपनी लाइफ का कुछ पार्ट वाटर में स्पेंड करते हैं अंडर वाटर और कुछ पार्ट ये लैंड में स्पेंड करते हैं भूमि पर. इसीलिए इन्हें एम्फीबियंस कहते हैं, उभयचर. एम्फीबियंस मीन्स उभयचर. व्हेन यंग दीज एनिमल्स लिव इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स. जब ये यंग रहते हैं मतलब जब ये छोटे रहते हैं, जब इनकी डेवलपिंग स्टेज चल रही होती है तब ये जल में ही रहते हैं और गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं. एज एडल्ट्स दे ब्रीथ थ्रू लंग्स ऑन लैंड एंड मॉइस्ट स्किन इन वाटर. और जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो ये लंग्स के थ्रू लैंड पर सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं और जल में रहते हैं तो अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू, उनकी जो स्किन होती है वो अपनी त्वचा के थ्रू श्वसन क्रिया करते हैं. तो ये दोनों ही जल और स्थल दोनों पर ही रहते हैं और दोनों ही ऑर्गन इनमें पाए जाते हैं. इनमें लंग्स भी होता है और मॉइस्ट स्किन के थ्रू ये वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं. नाउ एक्सरसाइज आपको फिल करा दी थी. स्टेटमेंट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल. आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिन्हें आपको ट्रू और फॉल्स शो करके बताना है. फर्स्ट, इंसेक्ट एक्सचेंज द गैसेस फ्रॉम थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स ऑन देयर बॉडी सरफेस नोन एज स्पाइरिकल्स. अभी अपन ने चैप्टर में पढ़ा कि इंसेक्ट जो होते हैं वो अपनी स्किन के थ्रू, उनकी स्किन में स्मॉल ओपनिंग्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके थ्रू वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, जिन्हें हम स्पाइरिकल्स कहते हैं. तो ये ट्रू है. ऑल एनिमल्स हैव द सेम ब्रीदिंग ऑर्गन. इसमें दिया गया है कि सभी जानवरों में एक से श्वसन अंग होते हैं. इट इज़ फॉल्स. सभी में एक से श्वसन अंग नहीं होते. लंग्स हेल्प दीज एनिमल्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. जिन जानवरों में लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन को डिजॉल्व वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं लंग्स के थ्रू. फॉल्स, क्योंकि वाटर में पाए जाने वाले एनिमल्स में लंग्स नहीं होते. फोर, एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स.
जो रेप्टाइल्स होते हैं और बर्ड्स मैमल्स होते हैं ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. इट इज़ ट्रू.